तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते थकेंगे नहीं। पता नहीं ये कौन सा जादू है कि मांगने वाले मांगते रहते हैं, देने वाले देते रहते हैं, बस मिलता नहीं है, मिलने की गारंटी नहीं है। अब बताइए, CHO परीक्षा हुए, जमाना बीतते जा रहा है, परीक्षा का क्या होगा किसी को पता नहीं, बेरोजगार जार जार हो रहे हैं, मगर सरकार की दो बड़ी एजेंसियां पहले तू का खेल खेल रही है। कर्मचारी चयन आयोग पूछ रहा है कि क्या CHO का पेपर आउट हुआ था। SOG जो मारियो गेम में AICC के हैंडल से ट्वीट किया गया था कि SOG के पास हमने स्पेशल विंग बनाया है पेपर लीक की जांच के लिए, वही SOG लिख रही है पता नहीं वायरल हुआ था, मन करे तो रद्द कर दो, फिर चिट्ठी लिख रहे हैं वो। ये तो बताओ ये वायरल कब हुआ था, परीक्षा से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? गजब तमाशा चल रहा है भाई। परीक्षा से पहले जिसके पास पेपर आया, सुनीता को जिसने भेजा था विनोद मीणा, सब जाके SOG में घंटों बैठाए, अपने मोबाइल जमा करा आए हैं कि मेरे मोबाइल ले लीजिए, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए कहां से आया है, मगर कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बजट में जो स्पेशल विंग बनाया गया है पेपर लीक की जांच के लिए, वो विंग इसलिए बनाया गया है कि किसी भी तरह की पेपर लीक की जांच नहीं होगी। उस वक्त जब पूछताछ हो रही थी, जांच अधिकारी महमूद खान इस मामले की जांच कर रहे थे SOG में, तब बुलाया गया था, कुछ लोगों को पुलिस लेकर भी आई थी, मगर सब अपने अपने घरों पर हैं। मैंने आज सुबह सबसे बात की, SOG ने कहा है कि जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे, आप घर पर मस्त रहिए। क्या तमाशा चल रहा है, सारे सबूत मौजूद हैं कि पेपर पहले आ गए, वो भी 89 में से 89 सवाल, मगर सरकार के कान पर जू रेंग नहीं रही है। वो कह रहे हैं वो जाने, उन्हें तो पता ही है कि पेपर वायरल था, वो कह रहे हैं वो कहेंगे तभी तो मैं, और दोनों इस इंतजार में बैठे हैं कि सरकार क्या कहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं यह खेल लंबा खेला जा रहा है ताकि लटका रहे। ये जो छात्र हैं वो लटके रहे और चुनाव आ जाए। अब बताइए, जब फैसला नहीं होगा तो रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट आ भी गया और फिर परीक्षा रद्द होगी तो फिर नियुक्ति पत्र कहां से मिलेगा? ये खेल कौन सा खेला जा रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें लगता है, एजेंसियों को लगता है कि अगर हम पेपर आउट कर देंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी कि एक बार फिर से नाक कटा दिया। अरे नाक तो वैसे भी कट रहा है। जब ये बता नहीं पा रहे हैं आप कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था, तो फिर क्या करें? SOG के मुखिया राठौर साहब कह रहे हैं कि DGP साहब बताएंगे, DGP साहब के यहां से कुछ खबर ही नहीं आ रही है। अब बताइए, किससे जाकर सवाल पूछें कि जांच हो रही है नहीं हो रही है, पेपर आउट था नहीं था, परीक्षा होगी नहीं होगी, या फिर पता लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, कितने लोगों के पास ये पेपर पहुंचा था। अजीब खेल चल रहा है ये। जोधपुर में आपने देखा है वो 35 के 35 अभी जेल में है, जमानत हुई नहीं है, या कोई बता नहीं पा रहा है कि थर्ड ग्रेड का जो दोबारा परीक्षा हुई थी, क्योंकि पिछली बार पेपर आउट हुआ था, वो पेपर असल में आउट हुआ था या नहीं। जो प्रवीण बिश्नोई है, 5,000 का इनाम घोषित कर आराम से जोधपुर पुलिस बैठी है। अखबार वालों ने सवाल उठाया कि आपने प्रश्न पत्र कहां मिला लिया था, जो एक भी नहीं मिला, क्योंकि परीक्षा खत्म होने से पहले आपका प्रेस नोट आ गया था कि प्रश्न पत्र एक भी नहीं मिला। और वो जो गिरोह है वो पहले पेपर आउट करता रहा है, तो फिर इस बार क्या हो रहा था? मगर वहां भी कोई जांच नहीं हो पा रही है, और सेकेंड ग्रेड में तो शेर सिंह मीणा के ऊपर उर्फ अनिल कुमार, कहा गया शेर सिंह मीणा नहीं अनिल कुमार है, उसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, और भूपेंद्र सहारा आराम से जेल चला गया। अब शेर सिंह मीणा और सुरेश ढाका जब मिलेंगे तो जांच हो जाएगी,
बाकी आप मस्त रहिए, दोबारा परीक्षा आपकी हो गई है, रिजल्ट निकलना होगा तो निकल जाएगा। आप समझिए खेल कौन सा चल रहा है। ये उस दिन की तस्वीर है, सुनीता मीणा साथ में है, जब ये सारे गए थे कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के पास कि ये सबूत ले लीजिए और परीक्षा दोबारा करा लीजिए। दोबारा नहीं भी कराइए, क्योंकि बहुत मेहनत करके परीक्षार्थी जो है परीक्षा देते हैं, कम से कम उन लोगों को तो बाहर कीजिए जो पेपर खरीदे थे, थोक के भाव में व्हाट्सएप पेपर घूमे थे। ये देखिए, ये एलडीसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीद के 4-4 लाख में बेचने का मामला। आप समझिए कि हाईकोर्ट के एलडीसी का पेपर भी आउट हो जा रहा है और 4-4 लाख में बिक रहा है, मगर इनकी मेहनत का कोई सिला है क्या? इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है, क्या राजस्थान में कोई सुनने वाला है? बेरोजगार सबसे ज्यादा देश में कहीं हलकान हुए जा रहे हैं तो राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि संजीवनी के पीड़ितों के आंख में आंसू देखता हूं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, इन बेरोजगारों के आंखों में आंसू कौन देखेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी तस्वीरें हैं, ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि उस दिन की ये तस्वीर है जिस दिन ये खबर आई थी कि पेपर आउट हुआ था। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां दे दी, 1.5 लाख प्रक्रिया अधीन है, कहां दिए हैं? इसका जो ब्रेकअप है, मांग मांग कर थक गए हम, तो जो नौकरी देख रहे हैं उसमें तो सारी की सारी ही प्रक्रिया अधीन है। अब देखिए, आरएस का एग्जाम हो, एसआई की परीक्षा हुई 2021, उसका पेपर आउट के तमाशे चल रहे हैं। भूपेंद्र बिश्नोई का नाम उसमें भी था, उसमें क्या हुआ, वो जेल चला गया, मगर एसआई का पेपर कैसे आउट हुआ था इसकी जानकारी भूपेंद्र बिश्नोई से पुलिस नहीं ले पाई। क्या खेल चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा तो समझ में आ रहा था। चलो अब इंटरव्यू चल रहा है, मगर देखिए 2021 की परीक्षा और 2023 में इंटरव्यू, नियुक्ति कब मिलेगी, चुनाव से पहले नियुक्ति दे देंगे तो कि ताजा ताजा याद रहेगा, तभी तो वोट दीजिएगा। यही हाल है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड परीक्षाओं का। परीक्षा हुए जमाना हो गया, रिजल्ट कब निकलेगा समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल से ऊपर परीक्षा देकर बेरोजगार इंतजार करते हैं क्या? अब तो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी, वो कह रहे हैं कि मान लो थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग कर लेंगे और फर्स्ट ग्रेड का तब जब रिजल्ट निकलेगा तब क्या होगा, फिर इधर के बच्चे मारे जाएंगे, सारे प्रोसेस में देरी होगी, आरपीएससी का हर एग्जाम लेट चल रहा है। ये स्थिति है, आप समझिए। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखते रहिए कि किस तरह के हालात राजस्थान में हैं। आज फिर गए थे ये सारे उपेन यादव के नेतृत्व में बीडी कल्ला से मिलने, हालांकि मिलने से कोई फायदा है नहीं, देखिए कि जो लंबित नौकरियां हैं उन्हें दी जाए। ये जो एलडीसी भर्ती परीक्षा वाले हैं, ये गिरोह लाइब्रेरियन का पेपर भी आउट किया था, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि लाइब्रेरियन का पेपर भी ये गिरोह आउट किया था, जो पकड़ा गया उसे पूछा तो जाए, ये खबरें आती क्यों नहीं है। अब ये देखिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि आरएस जो पिछली बार हुआ था 2021 में, उसमें डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ उस समय आरपीएससी में थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि जोधपुर में जो जियो शहर है पहला बनने जा रहा है, और इनका जो ट्वीट है जल संस्कृति वाला, ये बता रहे हैं कि ये धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ हैं, शिव सिंह राठौड़। तो ये जो ट्वीट हैं, इस ट्वीट को लेकर कहा जा रहा है उनके कि जो उन्होंने ट्वीट किया था वही सवाल आ गया था, 10 नंबर का सवाल आया था, उसमें से कई विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आरएस परीक्षा को लेकर भी शिव सिंह राठौड़ हैं। वसुंधरा राजे ने इन्हें नियुक्त किया था, मगर धर्मेंद्र राठौड़ के साथ भी हैं, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह वेल कनेक्टेड होते हैं। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये देखिए होल्ड करने के लिए, ये उस कॉपी को लेकर आए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने बताया था कि मान लो यहां पर ये सवाल का जवाब दिया गया है तो ये प्रश्न पत्र के बदले 3 नंबर का दिया गया है, यहां पर नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, एन ए नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जगह खाली होगी, मगर इसके बाद भी अगर नंबर दिया गया है तो क्या बाद में भी आरपीएससी में कॉपियों में लिखा जाता है?
ये आरोप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं और आरटीआई से निकाली हुई ये कॉपियां हैं, इसीलिए ये बार बार सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में नौकरियों के नाम पर हो क्या रहा है। ये नॉट अप्लाइड में भी किस तरह से नौकरी दी जाती है पीछे से खाली पेज भरकर, ये आरोप लग रहा है। और ये आरटीआई से निकाली हुई कॉपियां हैं और जिनकी कॉपी है वो एसडीएम बन गए हैं, ऐसा आरोप है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको देखते रहिए और देखकर समझिए कि यहां पर फिर नॉट अप्लाइड लिखा हुआ है मगर नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है मगर इसमें भरा हुआ है, सवाल का जवाब लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आरएएस के परीक्षा से लेकर जो अधिकारी की परीक्षा है वहां की परीक्षा से लेकर एलडीसी की परीक्षा तक में जब आरोप लग रहे हैं पेपर आउट होने के, तो फिर राजस्थान के बेरोजगार जाएं कहां? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम बार बार इसलिए उठाते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी देश में दूसरे नंबर पर क्यों है, ये समझिए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा से विधानसभा में आते हैं और कहते हैं 1,00,000 नौकरियां देंगे, तो भरोसे का संकट पैदा होता है, क्योंकि 2021 में हुई परीक्षा की ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई है, 6 महीने का वक्त है इस सरकार में, फिर आगे 1,00,000 की नौकरियों का भरोसा या छलावा किसे, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सारी भर्तियां, कहा जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30,000 भर्तियां की हैं और 70,000 से ज्यादा लंबित हैं जो अब होंगी, और 2021 की जो भर्तियां हैं उसमें अब जाके साक्षात्कार शुरू हुए हैं आरपीएससी से, यानी चुनाव आते आते ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये खेल क्या कामयाब होगा कि 5 सालों तक रुलाने के बाद चुनावी साल में आखिरी में ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो खुशी खुशी लोग वोट देंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दर्द बेरोजगार इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि जब आईटी फेयर लगा कॉमर्स कॉलेज में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हुए थे, तो डंडे से मार कर बेरोजगारों को भगाना पड़ा। एक अदर नौकरी के लिए पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार ऐसे वहां पर टूट पड़ रहे थे। कंप्यूटर अनुदेशक को जिले की आवंटन बाकी है। शिथिलता को लेकर जो लड़ रहे थे तो लड़ ही रहे हैं, सीएचओ वाले भी लड़ ही रहे हैं, पता नहीं कितने कितने लोग कहां लोग लड़ रहे हैं, मगर सरकार सुन रही या नहीं सुन रही है पता नहीं। कभी मिल लेते हैं धर्मेंद्र राठौड़ से, कभी बीडी कल्ला से, इनके मिलने से कुछ होता नहीं, मगर फिर भी लड़ाई जारी रहनी चाहिए और इस लड़ाई को हम राजस्थान तक पर लड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।